Assalamualaikum जी एंड वेलकम बैक यू ऑल टू माई एंड व्लॉग। और काफ़ी लंबे अरसे बाद ठीक है मैं आज व्लॉग बना रही हूँ। आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। असल में मैं जो है वो घर बैठी बोर हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। कुर्बानी भी अभी तक नहीं हुई है क्योंकि हमें कसाई नहीं मिल रहा और इस घर में कोई भी नहीं है ठीक है, नॉट अ सिंगल पर्सन जो मेरी पिक्चर्स बना सके ठीक है। इस वजह से मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था। कल इंशाल्लाह हम लोग जो है वो तायबू के घर जाएंगे और वहाँ पे भी उन लोगों का प्लान है कि मतलब हम सारे इकट्ठे हों कज़न्स तो टिक्का पार्टी ही करें। सो फिर कल इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे, कल का दिन आज की तरह बोर नहीं गुजरना। तो जी गाइज ये जो है वो टिक्के बनाने के लिए मैंने आग जला लेगी और फिर उसके बाद कोयले जो हैं वो गर्म होंगे तो फिर हम टिक्के बनाएंगे। और दूसरी तरफ जो है वो किचन में मैंने जो है वो नमकीन गोश्त दम पे चढ़ाया हुआ ठीक है, और अब देखते हैं कि इसका क्या हाल है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है ठीक है। गर्ल्स ये जो है ये मेरा नमकीन गोश्त तैयार हो रहा है ठीक है, और ये मुझे ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू टिक्के क्योंकि ये बंदा ज़्यादा खा लेता है इजीली ठीक है। तो इसको भी पकने में टाइम लगेगा क्योंकि ये भी जो है ये कच्चा है ठीक है। तो इसको हम वापस दम पे जो है वो लगा देते हैं। Few moments later. So guys, ये जो नमकीन है मेरा वो हो चुका है रेडी ठीक है। The next day. तो जी गाइस आज है ईद का दूसरा दिन ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ईद के दूसरे दिन हम लोग जो है वो तायबू के घर जाएंगे। आज अभी हम जा रहे हैं तायबू के घर ठीक है, और वहाँ जाके जो मैं ब्लॉग के पार्ट्स रिकॉर्ड करूँगी वो वॉइस ओवर के साथ होंगे क्योंकि यू नो वहाँ पे सारी फैमिली जो है वो इकट्ठी हुई हुई है, तो फिर सबके सामने बैठ के बना व्लॉग बनाने वाला जो कॉन्फिडेंस है वो भी मेरे में नहीं आया ठीक है। तो फिर मामा भाई वेट करेंगे तभी मैं चलती हूँ तायबू के घर और वहाँ जाके हम अपने ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। तो जी गाइस मैं इस वक्त जो है वो तायबू के घर पहुँच चुकी हूँ ठीक है, और आते ही मैंने कहा कि इससे पहले कि अंधेरा हो जाए तो हम लोग फोटो शूट कर लेते हैं। शाम का व्यू आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा है, मगर पिक्चर्स मेरी बिल्कुल भी प्यारी नहीं आ रही, तो इस वजह से अब मैंने बस कर दी है और अब मैं नीचे जा रही हूँ ठीक है। सबके साथ बैठते हैं, गपशप करते हैं और बस ब्लॉग की जो भी क्लिप्स है बीच में रिकॉर्ड कर दूँगी और उसके ऊपर हम कर देंगे वो ऐसे। The next day. So जी guys, I'm back with Eid Mubarak day 3 vlog. ठीक है, so जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि कल हम तायबू के घर गए थे, बट मैं वहाँ पे vlog नहीं बना सकी उस तरह से क्योंकि सारी फैमिली जो है वो अगटी थी ठीक है। और आई होप सो कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि सारी फैमिली की उस तरह से सपोर्ट नहीं है व्लॉगिंग में मुझे ना ठीक है। अब मैं कर रही हूँ, मुझे परमिशन है, बट सारे तो नहीं आ सकते ना व्लॉग में, तो इसलिए फिर अच्छा नहीं लगता इस तरह से व्लॉग बनाना, तो फिर मैंने वहाँ पे व्लॉग ज़्यादा नहीं बनाया ठीक है। सो आज जो है सबकी दावत हमारे घर पे है और अभी बहुत सारा काम है करने को, सो अभी मैं बाहर जा रही हूँ कुछ सामान वगैरह लेना है ठीक है। तो जो गाइस एटीएम हम आ चुके हैं तो ये नहीं लो, शान का नहीं लो, नेशनल का देखो। ये नेशनल के सारे बिरयानी हैं। हाँ लो, ये भी है। Few moments later. फिर जी शाम को हमारे गेस्ट आ गए और मेरे मामा के साथ खाना बनाने में कुछ हेल्प की बनाया मामा ने ही, सारा पुलाव वगैरह, फिर मैंने छोटे मोटे कामों में जो है वो उनकी हेल्प की, फिर उसके बाद हमारा जो है वो पुलाव हो गया रेडी ठीक है। और फिर सब हम सब जो है वो हमने मिलकर जो है वो खाना खाया जी। तो हमने इतने पैसे जमा कर लिए चंदा करके और अब हम पार्टी करने के लिए रात 11 बजे बाहर जा रहे हैं। चंदे से आपको पार्टी कर सकते, प्लीज़ टाइम दिखा दें तो बताएं कि भाई। हाँ तो देखिए 11:02 हो रहे हैं, हम लोग बाहर वॉक पे जा रहे हैं। सो ये सारी आवाम जो है वो बाहर जा रही है, चले चले आप भी चलें। ये हमारी लेडीज़ आदि जो हैं ये जा रही हैं इस वक्त चीज़ लेने के लिए, हम और चांद बहुत ही प्यारा निकला हुआ है। और तो गाइस ये आवाम जो है ये आधी रात को इतने सारे पापड़ जो है वो ले आई है, और यहाँ पे ये स्मेल सूंघ रही है कि देखें गली में कोई जो है वो टिक्के बना रहा है जिस घर में आपको फॉग नज़र आ रही है ठीक है। और हम लोग इस वक्त ये सॉरी स्मोक जिस घर में आपको फॉग नज़र आ रही है ठीक है। तो ये
लिए हमारे पास सिर्फ 150 रुपीस थे और 150 में यही गंद आ सकता था, सो हमारे पास 7 अप है, ठीक है। ये 150 रुपीस बिल से बिल्कुल भी नहीं आई है, ये हमने सेपरेट ली है। और ये आधी रात को जो है वो हम लोग मेहंदी लगा रही हैं, ठीक है। हमारी इन वाली बाजी को बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है और ये मुझे भी लगवाएंगी। लगवाएंगी ना आप मुझे मेहंदी? यस। टैलेंट जो है कूट कूट के भरा है मेरे खानदान में, ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे दूसरी भी दिखाइए प्लीज़, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बस कमी नहीं है किसी चीज़ की। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या बनाया गया है और असल में डिज़ाइन क्या था, ठीक है। हमने टिकटॉक से ये देखा था, ठीक है, और बना ये है। क्या आपको इसकी शक्ल कहीं से भी मैचिंग नज़र आ रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। The next day. तो फिर दिन 2 बजे हुई हमारी सुबह और हमने किया मज़ेदार सा नाश्ता। सो गाइस ये था मेरा ईद का व्लॉग एंड आई होप सो कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मेरे नेक्स्ट व्लॉग के आने का इंतज़ार करना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।